बॉलीवुड में कॉप ड्रामा बेस्ड फिल्म्स की वैसे तो कमी नहीं है। हमारे पास सिंघम है, दबंग चुलबुल पांडे हैं, राउडी राठौर है, तो इसी लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन हुआ है सिम्बा और सूर्यवंशी का। लेकिन इनमें से मैक्सिमम हीरो साउथ इंडियन हिट फिल्म्स के रीमेक प्रोडक्ट्स हैं, सिवाय चुलबुल पांडे के। दबंग फ्रेंचाइजी शुरू से ही ओरिजिनल कॉप ड्रामा रही है, जिसने अपने थर्ड पार्ट के लिए ओरिजिनल स्टोरीज का सहारा लिया है। पर शायद थर्ड पार्ट को मिला पुअर रिस्पॉन्स इस तरफ इशारा कर रहा है कि बॉलीवुड तुमसे अब ना हो पाएगा और एक बार फिर तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए साउथ कॉप सिनेमा का रुख करना पड़ेगा। शायद इसी बेसिक स्टेप से दबंग फ्रेंचाइजी डूबने से बच भी सकती है, इसलिए आज हम लेके हाजिर है कुछ ऐसी ही कमाल साउथ इंडियन कॉप ड्रामा जो हो सकती है दबंग 4 के लिए परफेक्ट प्लॉट। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी एंकर हस्ती चंद्रेसा। दबंग फ्रेंचाइजी शुरू तो एक कॉमेडी एक्शन के तौर पे हुई थी, जहां हमें दबंग दरोगा चुलबुल पांडे थोड़े मस्तीखोर अंदाज में देखने को मिले। ये दरोगा गुंडों की धुलाई करता है, इसकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, ये कॉलर ट्यून पे अतरंगी डांस भी करता है और इन्हीं सब फ्रेश ट्रेट्स ने दरोगा चुलबुल को काफी पसंदीदा पुलिस ऑफिसर बना दिया था। लेकिन थर्ड पार्ट आते आते दरोगा साहब का ये चुलबुल अंदाज खो सा गया। ऑन स्पॉट कॉमिक सीन बनाने की भरजोर कोशिश तो की गई, पर शायद खराब राइटिंग के चलते इतना जरूर महसूस हुआ कि कॉमिक सेंस नॉनसेंस बन गई। तो वही प्रभु देवा की टिपिकल साउथ इंडियन एक्शन डायरेक्शन ने दबंग का वो क्लासिक एक्शन पार्ट भी खत्म करके रख दिया। इन सब के चलते ऑडियंस दबंग के ट्रेडमार्क कॉमेडी एक्शन से ऊब गई और शायद फ्रेंचाइजी में कुछ नया ट्राई करने की सख्त जरूरत है। शायद दबंग 4 को सस्पेंस थ्रिलर जैसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के साथ धमाकेदार एंट्री करवाई जा सकती है, जहां मेन स्टोरी में दरोगा चुलबुल इस बार असली में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा है, ना कि अपने पारिवारिक पछड़ों में पड़ा दिख रहा है। निश्चित ही कॉमेडी ड्रिवन फ्रेंचाइजी को एकदम सीरियस मोड़ दे देना काफी रिस्की काम है, लेकिन अगर चुलबुल को रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में क्रॉसओवर चाहिए तो उस लेवल का एक्शन भी तो जरूरी है। इस मुश्किल काम में एक बार फिर सलमान की फ्रेंचाइजी को साउथ इंडियन सिनेमा रिवाइव कर सकता है और दबंग 4 की सॉलिड स्क्रिप्ट कुछ एक हिट कॉप फिल्म से इंस्पायर हो सकती है, जैसे कि पृथ्वीराज की मुंबई पुलिस जो कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन एक भारी ट्विस्ट के साथ, या फिर फिल्म को साइबर क्राइम थीम की तरफ भी मोड़ा जा सकता है जिसकी इंस्पिरेशन होगी तलिम इरुम्बू थिराई फिल्म। दबंग 4 को सेतुपति जैसा थ्रिलर भी बनाया जा सकता है या फिर सेवंथ डे जैसा मिस्टीरियस भी। दबंग सीरीज अब तक बेसिक रेवन स्टोरी ही दिखाती आई है जिनसे ऑडियंस भी पक गई है। अब शायद समय आ गया है कि दबंग स्टोरी को कंटेंट ड्रिवन बनाया जाए। इस स्टेप से फ्रेंचाइजी में नई फ्रेशनेस जरूर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, जाते जाते लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।